हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। दोस्तों, ऐसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एंगुलर में काम करने के लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसे रेडी करते हैं, क्या क्या इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट है, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमने ये भी देखा कि अगर हमारे लैपटॉप में पुराना कोई वर्जन इंस्टॉल है तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद कौन सा फोल्डर डिलीट करते हैं, उसके बाद कैसे इंस्टॉल करते हैं ताकि कोई प्रोजेक्ट क्रिएशन में या प्रोजेक्ट रन करने में, सर्व करने में दिक्कत ना हो, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने ये दिखाया कि कौन सा स्क्रीन अगर आपको दिख जाता है तो समझ जाइए कि आपका लैपटॉप रेडी हो चुका है एंगुलर में काम करने के लिए, आप इजीली अब काम कर सकते हैं। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि नोड जीएस की क्या जरूरत है एंगुलर में काम करने के लिए। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम नोड जीएस भी इंस्टॉल किए थे और नोड जीएस इंस्टॉल करने के बाद अपने आप एनपीएम इंस्टॉल हो गया था, तो क्या जरूरत है नोड जेएस की एंगुलर में काम करने के लिए, इसका आंसर हम इस वीडियो में देंगे। इसको अच्छे समझिएगा क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस चीज़ को प्रोसीड करते हैं, समझते हैं। देखिए कि और भी हम क्लियर करते चलें कि नोड जेएस का जरूरत बैकएंड में काम करने के लिए, जैसे बैकएंड एपीआई वगैरह काम करने के लिए भी होता है, लेकिन नॉर्मल एंगुलर में काम करने के लिए, नॉर्मल एंगुलर में एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए नोड जेएस की क्या जरूरत है, उसका आंसर हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। एंगुलर के किसी भी वर्जन, मतलब 2 से लेकर अभी तक लेटेस्ट वर्जन तक, सारे वर्जन में हमें नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ता है। क्यों, ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये है, अच्छे समझिए कि नोड जेएस हम क्यों इंस्टॉल करते हैं। देखिए, नोड जेएस, सबसे पहले ये समझिए कि नोड जेएस क्या है, व्हाट इज नोड जेएस, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा कि नोड जेएस की क्या जरूरत है। देखिए, नोड जेएस इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग सर्वर साइड एंड नेटवर्किंग एप्लीकेशन। नोड जेएस भी एक प्लेटफॉर्म है, रन टाइम इन्वायरमेंट है, जिसको यूज करके हम सर्वर साइड और नेटवर्किंग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। नोड जेएस एप्लीकेशंस आर रिटन इन जावास्क्रिप्ट एंड कैन बी रन विद इन द नोड जेएस रन टाइम, ठीक है। नोड, देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज भी लिख रखा है, नोड जेएस जेएस इज एन ओपन सोर्स सर्वर एनवायरनमेंट, नोड जेएस इज फ्री, नोड जेएस रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म पर काम करता है, लिनक्स विनिक्स मैक सब पे काम करता है, ठीक है। अगला चीज ये भी है कि आप ये समझिए कि कौन कौन से तरह का एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं नोड जेएस यूज करके, ठीक है। इनपुट आउटपुट बाउंड एप्लीकेशन, डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, यहाँ तक कि आप सिंगल पेज एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं नोड जेएस को यूज करके, ठीक है। मतलब नोड जेएस भी अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके आप सर्वर साइड एप्लीकेशन एज वेल एज क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, जैसे मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। तो जरूरत क्या है, जो कि एंगुलर भी सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करता है, वो भी एक फ्रेमवर्क है, और नोड जेएस से भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो नोड जेएस हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, इसीलिए पूछा जाता है। तो अब समझिए इस चीज़ को। देखिए, नोड अलाउ यू टू साइन अप ए लाइट वेट वेब सर्वर टू होस्ट योर एप्लीकेशन लोकली इन योर सिस्टम। जब आप अपने सिस्टम में कोई एंगुलर के प्रोजेक्ट को रन कराते हैं तो यही नोड जेएस आपके लोकल मशीन पर सर्वर को एक्टिवेट करता है और आपका प्रोजेक्ट को रन कराता है, ठीक है। नोड जेएस का ही सर्वर, ठीक है, नोड जेएस ही आपके सर्वर को एक्टिवेट करता है। जैसे आप देखते हैं किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में या फिर नॉर्मल एचटीएमएल में आप काम करते हैं तो कुछ भी चीज़ें लिखते हैं तो फिर ब्राउजर पर जाकर उसको रिफ्रेश करते हैं तब तो आपका उसका आउटपुट दिखता है। एंगुलर में आप जब आप काम करेंगे तो आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको बार बार रन कराने की जरूरत नहीं है, जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे जाकर ब्राउजर पर देखेंगे उसका आउटपुट दिखता रहेगा, मतलब ब्राउजर को रिफ्रेश करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये सब काम नोड जेएस एक्टिवेट कर देता है, सर्वर को वहाँ सब कुछ होने लगता है। दूसरा चीज़, आपको पता है कि नोड जेएस जैसे इंस्टॉल करते हैं तो एनपीएम इंस्टॉल होता है, जिसका फुल फॉर्म है नोड जेएस पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या करता है कि नोड के पैकेजेज को मैनेज करता है। जैसे अभी आप लोग को मैं अगले वीडियो में या अगले के अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि एंगुलर का फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे ओपन क्रिएट करते हैं, कैसे रन कराते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको दिखेगा कि बाय डिफॉल्ट बहुत सारे पैकेजेज इंस्टॉल हो जाते हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो उन सारे पैकेजेज को मैनेज कौन करता है, एनपीएम,
ठीक है, वो करता क्या है कि आपके प्रोजेक्ट में एक नोड मॉड्यूल एम से फोल्डर क्रिएट कर देगा, उसके अंदर सारे पैकेजेस के फोल्डर क्रिएट कर देगा। उसके बाद पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल क्रिएट करता है, वहां पर पैकेजेस के नेम को रखता है। ठीक है, ये सारा काम एनपीएम करता है, और एनपीएम तभी ये काम कर सकता है, तभी आप अपने आपके पैकेज को मैनेज कर सकता है जब आपके लैपटॉप में आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल हो, ये भी एक रीजन है। ठीक है, दूसरा चीज कि अगर आप थर्ड पार्टी कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो एनपीएम के थ्रू ही करेंगे। जैसे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, जेक्वेरी इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो एनपीएम इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, तो एनपीएम उसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल मैनेज सब कुछ करेगा, और एनपीएम तभी कर सकता है जब आपके लैपटॉप में नोड जेएस प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो, तो ये भी एक रीजन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप एंगुलर में काम करने जाते हैं। तीसरा ये भी चीज़ है कि एंगुलर के सीएलआई को भी प्रॉपर वर्क कराने में एनपीएम हेल्प करता है। ठीक है, एंगुलर के सीएलआई पर ही आप कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने के लिए कमांड लिखते हैं। ठीक है, तो सीएलआई क्या है अगले वीडियो में और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा सीएलआई कैसे इंस्टॉल करते हैं, हालांकि इंस्टॉल करना हमने सिखा दिया है। तो एंगुलर का सीएलआई जिसे कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, जहाँ पर आप कोई कमांड लिखते हैं, ठीक है, जैसे कंपोनेंट जनरेट करने के लिए, सर्विस जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, या फिर पाइप क्रिएट करने के लिए, या फिर कोई पैकेज इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के जो कमांड लिखते हैं उस सीएलआई के अंदर ही लिखते हैं। तो सीएलआई भी तभी प्रॉपर वर्क करता है जब आपके लैपटॉप में एनपीएम इंस्टॉल हो, और एनपीएम तभी काम करेगा जब आपके लैपटॉप में नोड जेएस इंस्टॉल हो। तो ये सारे रीजन है कि आपको एंगुलर 2+ में काम करने के लिए नोड जेएस इंस्टॉल करना होता है आपके लैपटॉप में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि हम नोड जेएस क्यों इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर शेयर करिए, आपके कमेंट का वेट रहेगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपको हमेशा अपडेटेड रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज एंगुलर सीएलआई। ठीक है, देखिए एक एक चीज़ स्टेप बाई स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें आना चाहिए जो चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। नहीं तो मैं डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करके और डेटा बाइंडिंग डायरेक्टली पढ़ाना शुरू कर देता, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो नॉलेज हो बिल्कुल डीपली हो, एक एक पॉइंट का नॉलेज हो आपको, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा डीपली नॉलेज रखना है तो आप हमारा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको एंगुलर के 2 से लेकर लेटेस्ट वर्जन का सारा कंसेप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, आरएक्सएस लाइब्रेरी, एपीआई इंटीग्रेशन, हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप इन एंगुलर, हाउ टू यूज एंगुलर मटेरियल इन एंगुलर, उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग जहाँ पर हम लोग ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाते हैं विद ऑल फंक्शनैलिटी लाइक ऐड टू कार्ट करना, जूम करना, यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन एज वेल। कंप्लीट पैकेज होता है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अवेलेबल है जहां से आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।